हे गाइज, वेलकम और वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं हूँ प्रियंका। तो आज मैं बनाने वाली हूँ वेज बिरयानी। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर कर देती हूँ। और मुझे एक बात करना था, मैंने कुछ सामान मंगाए हैं स्विगी इंस्टा मार्ट से और मुझे वो 15 मिनट में मिल गया। मैं बहुत एड देख रही थी तो मैं सोची कि चलो मैं भी मंगा के देखती हूँ। तो मैंने उसको ओपन नहीं किया, मैं आप लोगों के सामने ओपन करूंगी। तो मुझे ना ऐसा 2 बैच में मिला है। एक ये है जिसमें मतलब थोड़ा सा वजन वाली चीज है, और एक ये है जो हल्का है, इसमें साइड से ब्रेड होगा। तो ओपन करने के बाद पता चलेगा। तो ओपन करती हूँ और मुझे डिलीवरी ना 15 मिनट में मिल गई थी, मैं बहुत खुश हो गई थी। तो ये है मेरा ब्रेड। ओके, हाँ ये ना ब्रेड 2 ऑर्डर कर सकते हैं थे। तो इसमें है टोटल 1, 2, 3, 4 ब्रेड है एक में। हाँ ये और एक ब्रेड का पैकेट है, टोटल 8 ब्रेड मिला है मुझे। एक पैकेट में 4 ब्रेड है। ब्रेड का थैली था, थैली काम आ जाएगा कचरा फेंकने में। सेकंड है ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, जस्ट मुझे लगा तो मैंने सोचा कि चलो शेयर कर देती हूँ, बना लेती हूँ। बिकॉज मैंने फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ ग्रोसरी ऑर्डर किया था मतलब स्विगी इंस्टा मार्ट से, तो मेरे को लगा कि चलो मैं बनाती हूँ। ओके, तो मैंने ना और 3 चीज ऑर्डर किए थे। सबसे पहले ये सेवई ऑर्डर किया था, ये ट्रूली गुड फूड है, रोस्टेड सेवई है ये, 400 ग्राम है। मैं सबके प्राइस मेंशन कर दूंगी, मुझे प्राइस याद नहीं है। सेकंड मैंने ये दलिया मंगाया था, हाँ दलिया पतंजलि से दलिया मंगाया था। कितना ग्राम है? 500 ग्राम है ये। और थर्ड मैंने ये मिक्स वेजीज मंगाया था 500 ग्राम या फ्रोजन मिक्स वेजीज। एक्चुअली ये आया ना बहुत वजन था और ना बैग में ना पानी ऐसा ये होने लग गया था, तो मैं सोच रही थी क्या है क्या, फिर याद आया मैंने फ्रोजन मंगाया था। तो ये वेजीज है तो मैं अपने पुलाव में ये ही यूज करने वाली हूँ। और ये सब के साथ मुझे ये दावत का राइस मुझे ये फ्री मिला, मुझे बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। ये 1 kg का है कुछ, एक बार देख लेते। हाँ 1 kg का दावत बासमती राइस है और मुझे बासमती राइस बहुत पसंद है। तो इसका मैं संडे को कुछ बनाऊंगी और उसके साथ आपको रेसिपी भी शेयर करूंगी, तो इसको मैं रख देती हूँ। तो ये कोई भी स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, मैंने अपने मन से खरीदा था और मुझे 15 मिनट में मिला। मुझे वही अच्छा लगा कि एकदम फटाक से आ गया एंड मुझे कुछ प्रॉब्लम भी नहीं हुआ, डिफिकल्टी भी नहीं हुआ। स्विगी पे गई, उधर एक इंस्टामार्ट करके से नीचे से फूड एंड ऑल ये सब रहेगा, तो उसमें मैंने क्लिक किया और ये मैंने ऑर्डर किया, मुझे अच्छा लगा। तो ये जो वेजीज है मैंने ये निकाल लिया, ये बहुत बहुत अच्छा और फ्रेश दिख रहा है, तो मैं भी इसे वॉश कर लूंगी और आज की बिरयानी में यही यूज करूंगी। तो यहाँ पे मैंने कुकर में तेल डाल लिया, ये गर्म होगा तो उसके बाद में ये तड़का डालूंगी। तड़के में मैंने तेज पत्ता, जीरा, काली मिरी, ये बड़ी इलायची, एक छोटा इलायची और ये स्टार फूल का एक पत्ती और ये 2 लवंग लिया है। मेरा तेल गर्म हो गया है तो मैं ये तड़का डाल दूंगी। फिर मैं कांदा डाल दूंगी, मैंने यहाँ पे 3 कांदा लिया है। फिर इसके ऊपर मैं अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दूंगी। अब मैं गोभी डाल दूंगी क्योंकि गोभी थोड़ा सा लाल हो, गोभी थोड़ा भून चुका है, तो अब मैं ये सब सब्जी डाल दूंगी इसमें। इसके साथ ही मैं ये हल्दी, नमक, मिर्ची पाउडर डाल दूंगी और ये बिरयानी मसाला, एवरेस्ट का बिरयानी मसाला है ना, और चावल भी डाल दूंगी। इसको मिक्स करके 2 मिनट तक भून लूंगी। अब मैं इसमें 1 और आधा लोटा पानी डाल दूंगी। मैं पानी उतना ही डालूंगी जितना मैं चावल बनाते वक्त डालती हूँ। अब मैं इसके ऊपर धनिया डाल दूंगी और कुकर का सीटी लगा दूंगी। अभी इसे ओपन किया है, इसको मिक्स कर लेती हूँ। ये बहुत अच्छा खुशबू आ रहा है।
गया है मेरा डिनर रेडी, पुलाव पापड़ और ये अचार है मिर्ची का और ये है छाछ। घर में तो सबको ये पुलाव बहुत पसंद आया था, आप भी ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।